जिला मुख्यालय पर पिछले कुछ दिनों से अज्ञात सिरफिरे बदमाशों द्वारा कार के शीशे तोड़ने की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं बदमाशों द्वारा बड़वानी कुक्षी बाईपास पर एक कार का पिछला शीशा और प्याऊ में रखी रांझने फोड़ने की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं अज्ञात बदमाशों के द्वारा की गई घटना सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई। कुक्षी बाईपास पर अज्ञात सिरफिरे बदमाशों ने कार का शीशा फोड़ा। दो से तीन जगह पर गर्मियों में राहगीरों के लिए बनाई गई प्याऊ में रखे रांझन गिराकर फोड़ने की घटना बीती रात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। वहीं कारों के शीशे फोड़ने की घटना भी लगातार कुछ दिनों से सामने आ रही है, जिसे पहले नवलपुरा और आनंद नगर में ये घटनाएं देखने को मिली थी। सीसीटीवी फुटेज में दो व्यक्ति छोटी कसरावत से नगर की ओर मोटरसाइकिल से आते दिखाई दिए, जिन्होंने सांवरिया मंदिर के सामने एक दुकान के बाहर रखे रांझन गिरते नजर आ रहे हैं। नगर में इस तरह की घटना जन चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं ऐसी घटना के बाद रात्रि पुलिस गश्त पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। श्री विद्या, कहाँ रहते हैं आप? हम बाईपास में रहते हैं। क्या घटना हो गई? एक्चुअली सुबह कोई जैसे सोशल डिस्ट्रक्शन करते हैं, लोग पिया हुआ लग रहा है, नहीं ये तो ऐसा नहीं करेगा, कांच फोड़ दिया। और बाद में हम फुटेज देखा कैमरा का, तो दिख गया कि 3 o'clock के आसपास में उन लोग आए, ये साइड से आए हुए, खुशी साइड से। कौन क्या काहे का कांच फोड़ दिया था? हमारा कोंटो का पीछे का ग्लास तोड़ा। और कोई नुकसान करा इसके अलावा? नहीं, आगे सब नुकसान किया है, जैसे हमारे फ्रेंड के उधर भी किया हुआ है। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।